Hello friends, welcome to our channel Culinary Art Research. In this our video of chapter number 15, that is Understanding Vegetables, we are going to discuss about vegetables, its color, its texture, its flavor, its cooking methods and all. तो बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरी वीडियो में, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स के जो कलर्स होते हैं उनके अंदर कौन से पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, तो एंड हाउ कैन वी कुक देम एंड विच न्यूट्रिएंट डू वी गेट फ्रॉम देम. सो लेट्स बिगिन अ वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द controlling quality changes during the cooking. While we are cooking the vegetables, which quality changes will we be seeing about it. कि जब हम खाना पकाते हैं तो उस समय पर कौन कौन सी क्वालिटी, किन किन चीज़ों की क्वालिटी में बदलाव देखने को मिलता है, तो then how can we control them. तो हम जानेंगे अबाउट द कुकिंग अफेक्ट्स द वेजिटेबल इन फोर वेज. कि जब हम किसी भी वेजिटेबल को कुक करते हैं वो चार तरीके से उसको अफेक्ट करता है. फर्स्ट इज इट्स टेक्सचर, उसका टेक्सचर में बदलाव आता देखने को मिलता है. सेकेंड इज उसका फ्लेवर चेंज होता है. तीसरा उसका कलर एंड फोर्थ इज इट्स न्यूट्रिएंट्स. तो इन चारों चीज़ों में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, इनकी चारों चीज़ों की क्वालिटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो अब हम वही पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं और कैसे वी कैन कंट्रोल ऑल ऑफ देम. ओके, लेट्स सी एंड हैव अ लुक हाउ कैन वी डू दैट. नेक्स्ट इज कि अमाउंट ऑफ फाइबर वेरीज इन डिफरेंट वेजिटेबल्स इन मैच्योर वर्सेस यंगर वेजिटेबल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेजिटेबल. तो इन तीनों चीज़ों में फाइबर का जो नंबर है, फाइबर का जो अमाउंट है, फाइबर की जो क्वांटिटी है, फाइबर की जो क्वालिटी है, अलग अलग वेजिटेबल्स में अलग अलग अमाउंट वेरी करता है, मैच्योर और यंगर वेजिटेबल्स में वेरी करता है, और एक ही वेजिटेबल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी चेंज होता है, फाइबर जो है बदलता है. तो नेक्स्ट इज कि फाइबर इज़ मेड फर्मर बाय एडिंग एसिड्स और शुगर्स, और इसको सॉफ्ट भी बना सकते हैं बाय हीटिंग इट एंड बाय पुटिंग द एल्कलीज. तो इन सब चीज़ों को डालकर या तो हम उसको और मजबूत बना सकते हैं फाइबर को, या उसको और हम सॉफ्ट कर सकते हैं. दोनों ही तरीके हैं. तो दोनों को करने के लिए हम एसिड शुगर का इस्तेमाल करेंगे तो फर्म बनेगा, हीट एल्कली के उसके अंदर सॉफ्ट बनेगा. नेक्स्ट इज द स्टार्च. आई थिंक यू ऑल माइट बी नोइंग व्हाट इज द स्टार्च, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्च. ओके, इफ यू डोंट नो आई विल बी टेलिंग दिस इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो. तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ, जिससे कि आप जान सकें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन दिस वीडियो इन दिस चैप्टर, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर बेटर. ओके, देन लेट्स स्टार्ट. Dry starchy food must be cooked in enough water for the starch granules to absorb moisture and soften. तो जिस फूड के अंदर ज़्यादा स्टार्च होता है उस फूड को हम ज़्यादा पानी में कुक करते हैं, है ना. अब आप यहाँ से एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जैसे कि जब हम राइस यानी कि चावल को क्या करते हैं, कुक करते हैं, तो चावल को कुक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ चावल होता है, हाँ, जितना भी चावल हमें कुक करना होता है उसके दो या तीन गुना हमें क्या लेना पड़ता है, पानी. तो वही बात यहाँ पर कहा है उसने कि अब वहाँ पर क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि जो चावल होता है उसके अंदर काफ़ी अमाउंट में स्टार्च होता है ना. तो जिस फूड के अंदर ज़्यादा स्टार्च होगा तो उसको पकाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि उसके अंदर का सारा मॉइस्चर निकाला जा सके और वो सॉफ्ट हो जाए, है ना. सेकेंड पॉइंट इज कि ज़्यादा स्टार्ची वेजिटेबल्स जो होती हैं, जिन स्टार्ची वेजिटेबल्स के अंदर ज़्यादा स्टार्च होता है, वो उनको जो है, या फिर ये कह सकते हो कि वो ज़्यादा मॉइस्चर को हैव मोर इनफ मॉइस्चर ऑफ देयर ओन टू सॉफ्टन द स्टार्च ग्रेन्यूल, कि उनके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होता है
और वही मॉइस्चर जो होता है वो उसको बाद में सॉफ्ट करने में मदद करता है. दे मस्ट स्टिल बी कुक्ड अंडर द स्टार्स ग्रेन्यूल सॉफ्टन. तो उनको जो है कुक कर लेते हैं है ना, जिससे कि उनका स्टार्च ग्रेन्यूल सॉफ्ट हो जाए. नेक्स्ट इज डॉननेस. आई थिंक यू ऑल माइट बी नोइंग इफ यू आर फॉलोइंग आर चैनल कलनरी आर्ट रिसर्च. इन आर प्रीवियस वीडियोज वी हैव टॉक्ड इन सेवरल वीडियोज अबाउट द वॉट इज डॉननेस एंड द डिग्री ऑफ डॉननेस एंड हाउ वॉज इट यूजफुल, हाउ वॉट इज द एक्सटेंट ऑफ डॉननेस इन डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द फूड दैट वी कुक. So I think I don't need to explain about this, but this is कि a vegetable is said to be done, मतलब कि कोई भी vegetable तब कहते हैं कि वो पक चुका है जब वो एक degree of tenderness, उसने desired degree of tenderness achieve कर लिया है. For example जैसे कि कुछ winter squash, eggplant और ये celery होते हैं, इन सभी को ये सभी तभी cook होते हैं जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं. वो सॉफ्टनेस उनके अंदर है तो हम समझ जाते हैं कि दे आर नाउ कुक्ड वेल. नेक्स्ट इज कि मोस्ट वेजिटेबल्स आर बेस्ट कुक्ड वेरी ब्रीफली अंटिल दे आर क्रिस्प टेंडर, है ना. तो ज़्यादातर वेजिटेबल्स तभी कुक्ड मानी जाती है, बेस्ट कुक्ड तभी मानी जाती हैं जब वो क्रिस्पी नेचर की आ जाती है, उनके अंदर क्रिस्पीनेस आ जाता है, व्हेन दे बिकम क्रिस्प. नेक्स्ट इज में कि अबाउट द फ्लेवर लॉस, कि किसी भी वेजिटेबल के अंदर से जो फ्लेवर का लॉस होता है उसको कंट्रोल करने के कई सारे तरीके हैं. एक तो ये कि उस वेजिटेबल को जितना कम से कम पका सकते उतना कम से कम पकाया जाए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको पकाया जाए, फिर उसको बॉइल्ड सॉल्टेड वाटर के अंदर बॉयल किया जाए, फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के अंदर यूज जस्ट इनफ वाटर टू कवर द फूड, कि उस फूड के ऊपर जितना ज़रूरी है उतना ही क्या किया जाए, उसके ऊपर वाटर डालकर उसको पकाया जाए, ज़्यादा नहीं काफ़ी ज़्यादा नहीं. तो इन सब चीज़ों से फिर है कि स्टीम वेजिटेबल्स व्हेनेवर एप्रोप्रिएट, कि जब ज़रूरत है तो उस टाइम पर स्टीम के थ्रू भी हम उनको पका सकते हैं. तो यानी कि कम से कम पकाया जाए उसको, शॉर्ट टाइम में इसको कुक कर लिया जाए, बॉयल्ड सॉल्टेड वाटर यूज़ किया जाए, इनफ वाटर यूज़ किया जाए, और स्टीम में भी उस वेजिटेबल को पकाया जा सकता है जब भी ज़रूरी हो, जिससे कि फ्लेवर का लॉस, उस वेजिटेबल का फ्लेवर ना ख़त्म हो. नेक्स्ट इज़ कुकिंग एंड स्वीटनेस. यहाँ पर ये बात आती है कि जो यंग फ्रेशली हार्वेस्टेड वेजिटेबल्स होते हैं दे हैव हाई शुगर कंटेंट दैट मेक देम टेस्ट स्वीट, कि जितने भी ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनको अभी हम तुरंत हार्वेस्टिंग करके लेकर आए होते हैं या फिर कटाई करके लाते हैं, तो वो जो हैं उनके अंदर का जो शुगर का कंटेंट है वो दैट इज़ मोर स्वीटर देन द अदर प्लांट्स, दैट टेस्ट मोर स्वीट एज द मैच्योर और एज द सिट इन द स्टोरेज द शुगर ग्रेजुअली चेंजेस टू स्टार्च, कि जैसे जैसे वो मैच्योर होता है वो यंग प्लांट, वो यंग वेजिटेबल जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है वो उसका जो स्टार्च का जो लेवल है वो धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है, यानी कि स्वीटनेस भी कम होती जाती है. ट्राई टू सर्व द यंग फ्रेश वेजिटेबल दैट हैव बीन स्टोर्ड एज शॉर्ट अ टाइम एज पॉसिबल, कि ये करके देखो कि जो यंग वेजिटेबल्स होते हैं उनको सर्व करके देखो तो पता चल जाएगा कि स्वीट हैं या फिर स्वीटनेस कम है. कुकिंग प्रोड्यूसेस फ्लेवर लॉस, कि ज़्यादा कुक करने से किसी भी चीज़ के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आते हैं उसके केमिकल चेंजेस से वो कुकिंग ढंग से नहीं होती है, जिसकी वजह से फ्लेवर का लॉस भी होता है. तो कुकिंग प्रोड्यूसेस सर्टेन केमिकल चेंजेस, बहुत सारे केमिकल बदलाव आते हैं जब कुकिंग आती होती है. तो जितना ज़्यादा वेजिटेबल एज लॉन्ग एज द वेजिटेबल्स आर नॉट ओवर कुकड दिस चेंज इज डिज़ायरेबल, कि ज़्यादा वेजिटेबल को कुक नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना कुक करो एंड देन एज पर डिज़ायर्ड, हाँ इट शुड नॉट बी ओवर कुकड. ओवर कुकिंग से अनडिज़ायरेबल चेंजेस, ऑब्वियसली इट इज़ ऑब्वियस, नथिंग नीड टू एक्सप्लेन अबाउट इट, कि वेन देर इज़ द अनडिज़ायरेबल कुकिंग और द ओवर कुकड फूड इज़ डन then the changes will be observed in its cooking, that is the
इट विल डेवलप अ स्ट्रोंग अनप्लेजेंट फ्लेवर, और यू कैन से उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर, उसके न्यूट्रन, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट. नेक्स्ट इज वाइट वेजिटेबल्स. यू कैन लुक इन द पिक्चर्स गिवन इन द दिस स्लाइड दैट दीज वेजिटेबल्स हैव कलर almost from pale yellow to white color. This is the range of the color that is pale yellow to white color. So the pigments, वो compounds होते हैं pigment जो vegetable को different different colors देते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा और आगे भी देखेंगे इस वीडियो में कि बहुत से ऐसे different different colors के कौन होते हैं, वो होते हैं different different colors के vegetables होते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई वाइट कलर के वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स हैं, वाइट पेल येलो कलर के वेजिटेबल्स हैं. तो उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर उनके कलर डिफाइन होते हैं. जैसे कि एंथोजेंथिन्स और फ्लेवोनॉइड्स, इन दोनों पिगमेंट्स का जो कलर रेंज है वो पेल येलो से वाइट के बीच में आता है. और वाइट कलर वाइट तब तक रहता है, एसिड में रहता है, और येलो वो तब होता है जब वो एल्कलाइन वाटर में रहता है. ओके, फिर रेड वेजिटेबल्स, रेड वेजिटेबल्स को हम एंथोसाइनिन बोलते हैं. यानी कि रेड वेजिटेबल्स के अंदर जो पिगमेंट होता है उसको एंथोसाइनिन पिगमेंट बोलते हैं, और वो अक्सर बहुत कम ही वेजिटेबल्स के अंदर देखने को मिलता है. जैसे कि रेड कैबेज या बीट रूट जो होती है उनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम एंथोसाइनिन कहते हैं. एसिड क्या करते हैं, एंथोसाइनिन को और ब्राइटर रेड कलर देता है, और एल्कलीज उसको ब्लू या ग्रीन कलर देता है. ओके, ये चीज़ है. नेक्स्ट इज द ग्रीन वेजिटेबल्स. देयर आर लॉट नंबर ऑफ वेजिटेबल्स विच आर ग्रीन इन कलर, फॉर एग्जाम्पल दिस कैप्सिकम एंड अदर्स. तो इन दिस दीज ग्रीन दी ग्रीन वेजिटेबल्स हैव क्लोरोफिल इन दैम विच मेक्स दैम ग्रीन. बट द एसिड्स आर द एनिमीज ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल्स. की एसिड जो होती हैं ये ग्रीन वेजिटेबल्स के दुश्मन हैं, बिकॉज उनके उस एसिड अगर डालेंगे तो उसका टेक्स्चर, उसका फ्लेवर वगैरह सब खत्म हो जाएगा. तो ये सारी बातें थी. नेक्स्ट है कि प्रोटेक्ट द कलर ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल्स बाय, कि अभी हमने जाना ना कि एसिड जो है नुकसानदायक होते हैं फॉर द ग्रीन वेजिटेबल्स, बट अब उसके कलर को कैसे प्रोटेक्ट करोगे. तो क्या करना है कि उसकी अनकवर्ड पार्ट को कुकिंग अनकवर्ड टू अलाउ प्लांट एसिड टू एस्केप, कि उसके प्लांट जो है जिसको भी हम कुक कर रहे हैं उसको बिना ढके आप उसको कुक कीजिए. फिर और है कि इसमें कम से कम समय के लिए उसको कुक कीजिए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उसको कुक कीजिए. और नेक्स्ट है इसमें कि आप कुकिंग कर सकते हैं इन स्मॉल बैचेस रादर देन होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द स्टीम टेबल, कि थोड़ा थोड़ा करके आप पका सकते हैं उसको, ऐसे नहीं कि एक बार में सारा पका रहे हो. डो नॉट यूज़ द बेकिंग सोडा टू मेंटेन द ग्रीन कलर, तो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे उसके विटामिन और टेक्स्चर ख़राब होने की संभावना है. फिर नेक्स्ट है इसमें कि येल्लो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स, देर आर नंबर ऑफ वेजिटेबल्स विच हैव डिफरेंट कलर्स दैट इज येल्लो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स. वन इज़ द कैरोटीनॉइड्स, येल्लो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स. दो तरह की वेजिटेबल्स हैं जैसे येल्लो और ऑरेंज वेजिटेबल्स. तो येल्लो और ऑरेंज पिगमेंट्स ये वो पिगमेंट्स हैं जो बड़े स्टेबल होते हैं, लिटिल अफेक्टेड बाय द एसिड्स और द एल्कलीज, एंड शॉर्ट कुकिंग प्रिवेंट्स डलिंग ऑफ द कलर एंड प्रिजर्व्स द विटामिन एंड द फ्लेवर्स. तो पिगमेंट जिनके स्टेबल होते हैं, ये वाले जो पिगमेंट यानी कैरोटीनॉइड्स वगैरह, ये सब स्टेबल पिगमेंट होते हैं, लिटिल अफेक्ट होते हैं यानी कि बहुत कम अफेक्ट होते हैं एल्कली और एल्कलीज और एसिड्स के द्वारा, और बहुत कम कुकिंग इनको चाहिए होती है ना, ये सारी बात है. नेक्स्ट है इसमें कि सिक्स फैक्टर्स आर देयर फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिएंट लॉस, कि न्यूट्रिएंट के लॉस में या न्यूट्रिएंट लॉस के लिए छह फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट का लॉस ना हो. हाई टेम्परेचर, लॉन्ग कुकिंग, डिजॉल्व आउटपुट मीन्स लीचिंग, एल्कलीज, प्लांट एंजाइम्स एंड ऑक्सीजन. ये सिक्स पॉइंट रिस्पॉन्सिबल हैं जिस जो ये बताते हैं, जो ये समझाते हैं, या जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीज फाइव फैक्टर्स
कैन लीड टू न्यूट्रिएंट लॉस. अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे कुक करोगे देन ऑल्सो इट विल बी हार्मफुल. लंब प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग दोगे देन ऑल्सो इट विल लीड टू डैमेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड लीचिंग. अगर उसके अंदर डिजॉल्व आउट ज़्यादा होगा देन ऑल्सो इट विल डिस्टर्ब और लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट विल अकर. एंड देन एल्कलीज एंजाइम्स एंड ऑक्सीजन दे ऑल्सो विल लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वेजिटेबल. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली. एंड वन थिंग मोर विच आई हैव आस्क्ड यू इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस दिस वीडियो अबाउट दैट इज स्टार्च. वॉट इज स्टार्च? स्टार्च इज द इट इज द स्टोरेज फॉर्म इन विच अ प्लांट कन्वर्ट्स इट्स फूड इन टू इट. मीन्स कि जो प्लांट है वो क्या करती है जब व्हेन इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. यू माइट बी नोइंग अबाउट इट इफ़ यू हैव स्टडीड बिफोर कि प्लांट्स क्या करते हैं. दे प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस एंड देयर आफ्टर दे कन्वर्ट द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड दैट स्टार्च दे कीप इट इन देयर बॉडी एज द स्टोर्ड फूड. ओके दैट इज द थिंग. ओके. Then best of luck. Let's meet in the next video. Till then, bye bye.